सभी को मेरा ईद मुबारक। ईद उल जुहा दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाने जाने वाला एक मुख्य त्यौहार है। यह दिन सभी मुस्लिम लोगों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। यह त्याग का पर्व है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बकरीद का त्यौहार जिलहिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। अर्धचंद्र के दर्शन के आधार पर उत्सव की तारीख हर साल बदलती रहती है। यह पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति समर्पण की निशानी के रूप में अपने बेटे की बलि देने की इच्छा की याद दिलाता है। इस दिन मुसलमान प्रार्थना करते हैं, बलिदान की रस्म निभाते हैं, शुभ कामनाओं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और दान के कार्यों में संलग्न होते हैं। ईद के मौके पर मुझे एक कहानी याद आ रही है जिसको मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। एक बार एक महिला ने ईद से पहले बाज़ार से एक नया दीपक खरीदा। जब वह घर पहुँची तो अंधेरा हो चुका था, इसीलिए उसने दीपक में तेल भरा और उसमें बाती डालकर उसे जला दिया। वह स्पष्ट स्थिर प्रकाश से चमकने लगा। दीपक को अपने आप पर और अपनी स्पष्ट रोशनी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। वह अपने आप की बड़ाई अपने आप करने लगा कि उसकी रोशनी सूर्य की रोशनी से भी अधिक तेज है। सहसा हवा का झोंका इतनी तेजी से आया कि वह उसे उड़ा के ले गया। दीपक को बहुत छोटा महसूस हुआ और उसे अपनी मूर्खता का एहसास भी हुआ। उसे कभी नहीं पता था कि वह हवा का सामना नहीं कर सकता। महिला ने एक बार फिर दीपक जला दिया। अब दीपक बिना किसी घमंड किए शांति के से चमकता रहा। महिला ने दीपक से कहा, धीरे धीरे चमकते रहो, अपनी तुलना सूरज से मत करो, वह कभी नहीं बुझता, ना ही उसे तुम्हारी तरह पुनः प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य तो सूर्य है, आप एक दीपक हैं और आज मौसम भी बारिश का है। दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है और आप लोगों के जीवन को रोशन करना चाहिए और उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए। मेरा यह संदेश है बकरीद के मौके पर कि हम किसी दूसरे के शरीर की कुर्बानी ना दें, बल्कि अपने मन में छुपी हुई बुरी भावनाओं को त्याग दें। हैप्पी ईद।